कोविड यानी कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोविड के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में अभी अभी नई सरकार का गठन हुआ है और बीजेपी के भजनलाल शर्मा के हाथों में प्रदेश की बागडोर है। ऐसे में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी होना चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आमजन और सरकारों को एहतियात बरतने और सतर्क रहने की गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान में रविवार को 11 कोविड के नए केस सामने आए हैं। इससे पहले प्रदेश में कुल कोविड पॉजिटिव की संख्या 752 थी। इसमें 2 कोरोना मरीजों की सड़क हादसे में मौत भी हुई है। दुर्घटना में हुई मौत को चिकित्सकों ने हादसे में मौत ही मानी है। सबसे चिंता का विषय ये है कि प्रदेश की राजधानी जयपुर अब कोविड हब बनते जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रविवार को जयपुर में ही सबसे ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जयपुर में आज 7 केस सामने आए हैं। वहीं पर प्रदेश भर की बात करें तो अलवर, दौसा, कोटा और सवाई माधोपुर में 1-1 कोविड केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार लगातार आमजन से सतर्क रहने और पूर्व में आयुष मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी की गई एडवाइजरी के पालन करने की अपील कर रहे हैं। अब आमजन को सतर्क और गाइडलाइन का पालन करना होगा, तब कहीं जाकर कोविड को हराया जा सकेगा।